सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी मैं जा रही हूँ गौशाला और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग ना यहाँ रास्ते से हो रही है और ना दिन का। और मैं जा रही हूँ गौशाला भैंस को पीना देने के लिए, क्योंकि भैंस को ना पानी पिलाने का टाइम भी हो गया है। तो चलते हैं, और दिन की 12 भी बज चुकी हैं और यहाँ पे है धारा। तो ये रही हमारी गाय और भैंस। तो भैंस देखिए सो रखी है, तो अब मैं ना भैंस को पानी पिलाऊंगी। और हमारी भैंस को ना काफ़ी ज़्यादा प्यास लग गई है। हड़ हम गाय भैंसों को पानी ना यहाँ धारे से पिलाते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे भर रही हूँ पानी। मैंने भैंस और गाय दोनों को पानी भी पिला दिया है और एक बर्तन यहाँ पे भर के रखा हुआ है पानी का। अब मैं डालूंगी घास। और आज केदार घाटी का जो मौसम है वो काफ़ी सुहावना है, काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई है और हल्की हल्की हवा भी हो रही है। और हरे भरे खेत जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए जी, गौशाला का तो पूरा काम कर दिया है और मम्मी ने ना लंच भी बना दिया है और अब लंच करते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे एक थाली पर लंच भी परोस दिया है और मम्मी ना लंच भी करने लग गई है। हेलो, गुड मॉर्निंग दादी। दादी कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दिन का लंच भी बना दिया है मैंने। मोनिका लाई है घास, तो मैंने घर का काम किया और लंच बना दिया है। और आजकल इतना ठंडा हो रहा है यहाँ केदार घाटी में, बोले क्या, सुबह 9 बजे तक तो बाहर आने का कोई काम ही नहीं है और 9 बजे आती है हमारे गाँव में धूप। तो मेरी मम्मी ने आज लंच में बना रखा है आलू की थचौनी हो गया, भात हो गया और मम्मी ने साथ में कागजी भी दे रखी है और सलाद में दे रखी है मूली। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों, शाम की 4:30 भी हो गई है और हमारे घर की धूप भी चली गई है ऊपर पहाड़ियों पे। और अभी मैं भी रेडी हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है बाबा जी के घर पे जाने की, क्योंकि बाबा जी के ना लड़के की शादी हुई थी, तो अभी हमने न्योता नहीं लिखाया है। तो अभी मैं जा रही हूँ न्योता लिखाने के लिए। तो चलिए जी, अब चलते हैं बाबा जी के घर पर न्योता लिखाने के लिए। और मोनिका जा रही हूँ उधर गाँव में, मेरी फूफू के लड़के की शादी हुई, तो हमारे यहाँ गढ़वाल में ऐसी रीति रिवाज है कि न्योता लिखाते हैं। तो बाबा जी के घर पे जाने का जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से है। और अभी मैं ना शॉर्टकट रास्ते से जा रही हूँ। और आजकल देखिए बांज के पेड़ों पे ना ऐसा घास लगाया जाता है, सूखा घास, मतलब ये जंगलों से काटा हुआ जो घास रहता है तो उसको ना ऐसे पेड़ पे लगाया जाता है। और ये ना सर्दियों की व्यवस्था है। तो अभी मैं आ गई हूँ बाबा जी के घर पे और यहाँ पे हो रही है कीर्तन की तैयारी। तो चलिए जी, न्योता वगैरह भी लिखा दिया है और यहाँ ऊपर कीर्तन भी स्टार्ट हो गया है, तो चलते हैं कीर्तन में। Oh,
दोस्तों बाबा जी के घर पे ना कीर्तन वगैरह हो ही रहा है और आज ना पूरे गांव वालों के लिए पार्टी है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, थोड़ी देर बाद आऊंगी। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ गौशाला। तो मेरी मम्मी ने ना गाय भैंसों को अंदर बांध दिया है और गोबर वगैरह भी ले गई है मम्मी। मैं ना जल्दी इसीलिए आई थी गाय भैंसों को बांधने के लिए क्योंकि मम्मी ना नीचे किचन गार्डन में पानी वगैरह डाल दी थी। तो मम्मी ने गाय भैंसों को तो अंदर बांध दिया है, अब मैं चलती हूँ घर। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे और मैंने सिर पे ना टोपी भी रख दी है और मेरे को इतना ठंडा लग रहा था तो मैंने टोपी भी पहन ली है। अब मैं चलती हूँ गौशाला भैंस से दूध निकालने के लिए। बाकी मेरी मम्मी ने ना गौशाले का गोबर वगैरह साफ किया, गोबर ले गई, गाय भैंसों को अंदर बांधा है ना मम्मी। इतना गोबर होता, दो दो कांडी गोबर की ले गई। मैं दो दिन से गोबर भी नहीं ले गई। इसका इतना बड़ा वो लगा, ढेर लगा रखी थी वहाँ पर, तो मैं थक गई। मैं 4 बजे चली गई थी गौशाला, वो गोबर साफ करते करते मैं भयंकर थक गई और अब जाएंगे पार्टी में, उधर द्वारा दिन है आज। हाँ, और मम्मी जी की बुआ, कई लोगों ने मेरे को पूछा था कि बाबा जी किसे बोलते हैं, तो मम्मी और बुआ को बोलते हैं बाबा जी। मतलब मेरी तो बाबा जी होती है और मम्मी की बुआ होती है, तो मम्मी की बुआ मेरी बाबा जी हो गई। वही है हमारा, मैं का तिरुनार में, तो तिरुनार का रिश्ता लगा दिया। मतलब मम्मी अपने मायके का रिश्ता लगा दिया है। रेल गाँव में दो तिरुनार के है, तो वो बोली की है, तो मेरी पोपो होती। हाँ, बाबा बोलती। तो चलिए जी, गौशाला का काम वगैरह भी कर दिया है और मैंने ना बाहर से एक और जैकेट भी पहन दिया है। तो चलिए जी, चलते हैं अब बाबा जी के घर पर। और भाई तो नहीं आ रहा है क्योंकि भाई को ना फाइल का काम करना है। सब मिलजुल कर काम करते हैं। इस पहले की जाती है, अब पहाड़ी लोग ऐसे बना रहे हैं। और ये है बच्चों की पार्टी, तो सब खेल रहे हैं। हेलो, सब बोलना है भाई, भाई बोल। और कुछ रोटियां ना यहाँ बनाई जा रही हैं सबके लिए। हेलो, कितनी सारी रोटियां। और यहाँ ना काफी ज्यादा धुआं हो रहा है और यहाँ पे बैठी हुई है दादी होगी, भाभी हो गई, ताई हो गई, और कुछ यहाँ रोटियां बेल रही हैं और कोई पका रही है। हेलो तो करो कोई। और यहाँ पे है बाबा जी। बाबा जी कैसी हो आप? ठीक ठाक है। तो कैसा लग रहा है नई बहू लगा? बहुत बढ़िया, हल्का हो गए अब तो। हाँ, और बाबा जी ने अपनी जिम्मेदारियाँ वो कर दी है, तो बाबा जी के लिए बहुत बहुत बधाई। और कई लोग बाबा जी को बधाइयां दे रही होंगे, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी लगी हुई है काम पे, वैसे ही गाय भैंसे हैं, वैसे ही घर में काफी ज्यादा मेहमान आ रखे हैं, है ना, कोई अंदर यहाँ बना रहे हैं रोटी, तो गौशाला का काम कर दिया। तो दोस्तों गांव में ऐसा ही होता है, सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे गाँव में कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे शादी हो, चाहे सगाई हो, तो सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो कोई बाबा जी के किचन में बना रहा है रोटी, दाल वगैरह तो बन चुकी है, और कोई ऊपर बना रहे हैं जहाँ पे खाना बना होगा, मतलब रसोई में बना रहे हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी चाशनियों पर खाना बना होगा। तो थोड़ी देर बाद ना भैया और भाभी की फ़ोटो वगैरह भी खींची जाएगी। सभी खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, तो मैं भी बैठती हूँ खाना खाने के लिए। तो चलिए जी, अभी हम बाबा जी के घर से ना अपने घर भी आ गए हैं और भाई के लिए भी ना हम घर लेके आ गए हैं खाना। तो भाई के लिए हम लेके आए हैं रोटी हो गया और पनीर की सब्जी, क्योंकि रोहित ने बोला था मेरे लिए रोटी और सब्जी लेके आना। बाकी अब मेरे को ना
असाइनमेंट काम है, मेरा कॉलेज का काम है, और अगले महीने से मतलब इसी मंथ 25 तारीख से हमारे पेपर भी स्टार्ट हैं। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।